मई चैनल आज पढ़ने वाले हैं आईसी इंजन में कुछ ब्रेक पावर के बारे में। जैसे ब्रेक पावर क्या होता है। द ब्रेक पावर इज द पावर ऑब्टेंड एट द इंजन फ्लाई व्हील एंड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डायनामोमीटर। ब्रेक पावर उसको बोलते हैं जो फ्लाई व्हील के द्वारा इंजन में जो पावर को ट्रांसफ़र करता है डायनामीटर के की मदद के द्वारा, उसको ब्रेक पावर कहा जाता है। उसकी डेफिनेशन है, द ब्रेक पावर इज द पावर ऑब्टेंड एट द इंजन फ्लाई व्हील एंड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डायनामोमीटर। इट इज मेजर्ड इन किलोवाट। इसको किलोवाट से कि इसकी यूनिट क्या होती है, किलोवाट होती है। मैथमेटिकल में समझे इसको BHP बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर निकालने का फार्मूला होता है BHP इक्वल टू W माइनस S इंटू पाई इंटू डी इंटू एन अपॉन 60। वॉट में होता है डायनोमीटर के लिए, ये डायनोमीटर के लिए फार्मूला होता है W माइनस S पाई डी एन अपॉन 60। W लोड होता है जो कि वेट होता है, और S होता है स्ट्रोक, और D होता है मेन डायमीटर, N होता है स्पीड। एक BHP निकालने का फार्मूला एक IC इंजन के लिए ये फार्मूला होता है 2πNT/60 किलोवाट में ब्रेक हॉर्स पावर निकालने के लिए, जहाँ पर D होता है आउटर डायमीटर ऑफ द ब्रेक व्हील इन मीटर, और N होता है स्पीड ऑफ द इंजन इन RPM। ब्रेक हॉर्स पावर के बाद पढ़ना है इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर इज द पावर दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द सिलेंडर ऑफ एन इंजन एज अ रिजल्ट ऑफ कंबक्शन ऑफ फ्यूल। जब फ्यूल में कंबक्शन होता है तो कंबक्शन में जो पावर प्रोड्यूस होता है इंजन के द्वारा, उसको इंडिकेटेड पावर बोलते हैं। सो इंडिकेटेड पावर इज द पावर दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द सिलेंडर ऑफ एन इंजन एज अ रिजल्ट ऑफ द कंबक्शन ऑफ फ्यूल। मैथमेटिकल में समझाएगा इसको तो IHP बोलते हैं, इसको इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहलाता है। इसका फार्मूला होता है IHP इक्वल टू N into P into M LN अपॉन 60। ये होता है IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर निकालने का फार्मूला, जहाँ पर N होता है नंबर ऑफ सिलेंडर ऑफ द इंजन, PM होता है मैन इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन आर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, L होता है लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन मीटर्स, तो A होता है एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन सिलेंडर इन मीटर स्क्वायर, फिर एक N होता है नंबर ऑफ स्ट्रोक या पर मिनट पे होता है जो, इसके अलावा एन नंबर, फिर एन इसमें जो लेते हैं एन लेते हैं कब, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर टू स्ट्रोक इंजन के लिए, और एन इक्वल टू N/2 लेते हैं कब, जब फॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन के लिए। फोर स्ट्रोक इंजन के लिए लेना है एन इक्वल टू N/2 के बराबर आप लेना है, और एन होता है जो एन लेना है फुल राउंड फिगर में वो कितना टू स्ट्रोक इंजन के लिए लेना है। सो एन इक्वल टू है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर टू स्ट्रोक इंजन, एन इक्वल टू N/2 फॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर फोर स्ट्रोक इंजन। इसमें रिवॉल्यूशन जो होता है, इसमें टू स्ट्रोक इंजन में जो होता है एक बार में रिवॉल्यूशन पूरा हो जाता है, और जो फोर स्ट्रोक में होता है उसका आधा रिवॉल्यूशन होता है एक बार में एक स्ट्रोक में, तो N=N/2 के बराबर होता है। तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर निकालने का फार्मूला होता है IHP=PN×PM LN/60 होता है। नेक्स्ट है इसमें फ्रिक्शनल पावर। द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल पावर। इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर के बीच में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसी को ही फ्रिक्शनल पावर बोलते हैं। तो डेफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल पावर। फ्रिक्शनल पावर मैथमेटिकल में समझेंगे, इसका फार्मूला होता है IP-BP इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। ब्रेक मैन इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ब्रेक मैन इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज अ कैलकुलेशन ऑफ द इंजन सिलेंडर प्रेशर दैट वुड गिव द मेजर ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक मैन इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज अ कैलकुलेशन ऑफ द इंजन सिलेंडर प्रेशर दैट वुड गिव द ब्रेक हॉर्स पावर। जो ब्रेक हॉर्स पावर में इंजन सिलेंडर प्रेशर जो होता है उसकी जो कैलकुलेशन होती है उसी को ही हम ब्रेक मैन इफेक्ट ऑफ प्रेशर बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर में, तो इसको हम ब्रेक मैन इफेक्ट ऑफ प्रेशर बोलते हैं। कुछ आईसी इंजन में कुछ एफिशिएंसी होती है, पहला होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, इसको न्यू से नोट करते हैं, ये न्यू होता है न्यू से नोट करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, इसलिए हम न्यू मैकेनिकल लिखेंगे। इक्वल टू फार्मूला होता है ब्रेक हॉर्स पावर अवर अपॉन इंडिकेटेड हॉर्स पावर होता है, BHP अपॉन IHP होता है एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है, जो न्यू मैकेनिकल इक्वल टू BHP अपॉन IHP ब्रेक हॉर्स पावर एंड इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला होता है न्यू TIH इक्वल टू IP अपॉन MF इंटू
सी वी होता है, जहाँ पर आई पी होता है इंडिकेटेड पावर, एम एफ होता है मास ऑफ द फ्यूल सप्लाई इन किलोग्राम पर सेकेंड, और सी वी जो होता है वो होता है कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो इससे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकालते हैं। अगर हमको मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना हो तो इसका फार्मूला ये लगाएंगे बी एच पी अपॉन आई एच पी, और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकालना तो इसके लिए हम ये लगाएंगे आई पी अपॉन एम एफ इंटू सी वी। फिर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी जो कि फार्मूला होता है न्यू बी टी एच इक्वल टू बी एच पी अपॉन एम एफ इंटू सी वी, ब्रेक हार्स पावर अपॉन मास फ्यूल रेशियो इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। ये होता है किसके लिए, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी के लिए। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी के लिए यहाँ पर आई पी आता है, और यहाँ पर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी के लिए बी एच पी आता है। तो अगर हमको ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकालना हो तो न्यू बी टी एच इक्वल टू हो जाएगा ब्रेक हार्स पावर अपॉन एम एफ इंटू सी वी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन एस एफ सी। एस एफ सी निकालने का फार्मूला होता है मास फ्यूल रेशियो अपॉन ब्रेक पावर, ब्रेक हार्स पावर होता है ब्रेक पावर, तो किलोग्राम पर किलोग्राम किलोवाट आवर होता है एस एफ सी निकालना। एस एफ सी का मतलब होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, एस एफ सी कहलाता है। एस एफ सी इक्वल टू होता है एम एफ अपॉन बी पी, किलोग्राम पर किलोवाट आवर, इसका फार्मूला होता है एम एफ मतलब होता है मास फ्यूल रेशियो, और बी पी होता है ब्रेक हार्स पावर होता है, ब्रेक पावर होता है बी पी। तो इसमें हमारे पास ये फार्मूला होता है एस एफ सी। अगर हमको स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन निकालना हो तो एस एफ सी इक्वल हो जाएगा एम एफ अपॉन बी पी के द्वारा निकलेगा।